हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। और मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि कैसे आप वीडियो को एडिटिंग कर सकते हैं या वीडियो को कट आउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक ऐप की सारी डिटेल बताई है, कैसे आप उसमें कट कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, इफेक्ट लगा सकते हैं। अगर आप एक यूट्यूबर हो और आप यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करना चाहते हो तो बहुत सारे ऐप्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ ऐप्स का यूज बताया है, लेकिन मैं यहाँ पे एक ही ऐप का यूज बता रहा हूँ, काइन मास्टर का। उसको उसमें कैसे एडिटिंग करते हैं तो मैं सबसे पहले काइन मास्टर ऐप ओपन कर लेता हूँ और उसमें कुछ डिटेल है थोड़ी जो कि मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले क्रिएट ए न्यू पे क्लिक करेंगे जो कि इंटरफेस है, और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है जो कि मैंने प्रोजेक्ट कुछ बनाया था तो मैंने उसको कट कर दिया ताकि इसका बाद में भी यूज हो सके। और इसको अभी मैं चाहूँ तो अभी भी उसका यूज कर सकता हूँ, बट मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट न्यू पे। और यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है, एक्सपेक्ट रेशियो जिसमें 16:9 है। यहाँ पे कुछ रेशियो है जो कि यूट्यूब के लिए हैं, जो 16:9 रेशियो है ये यूट्यूब के लिए हैं, और जो ये भी YouTube शॉर्ट वीडियो के लिए है और इंस्टा शॉर्ट वीडियो के लिए भी हैं, ये भी इंस्टा के लिए हैं, और ये YouTube शॉर्ट के लिए हैं जो 3:4 है। इन सभी का यूज वीडियो के रेशो से रिलेटेड हैं कि कौन से ऐप में हम वीडियो अपलोड करते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम में हम अपलोड करते हैं तो उसके लिए कुछ अलग होता है, और YouTube पे अपलोड करते हैं तो उसका रेशो कुछ अलग होता है। सबसे नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे एक लिखा होता है फ़ोटो ड्यूरेशन। तो यहाँ पे हम कोई भी फ़ोटो ऐड करते हैं तो उसका टाइम कितना होना चाहिए, मतलब कितनी लंबी होनी चाहिए, लॉन्ग कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ सेकंड है, जैसे कि 4 सेकेंड है, 5 सेकेंड है, 4.5 सेकेंड है। तो ये 4.5 सेकेंड है तो हम किसी भी इमेज को ऐड करते हैं तो वो उतने टाइम की लॉन्ग हो जाएगी। जैसे कि 4 सेकेंड की है तो 4 सेकेंड लॉन्ग हो जाएगी। यहाँ पे मैं एक वीडियो ऐड करके या कुछ इमेज ऐड करके मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे आप इमेज ऐड कर सकते हैं। ये हाई क्वालिटी है, ये ऐड नहीं हो पाएगी, किसी और को ऐड करते हैं। जैसे कि कुछ कलर, जैसे कि मैंने वाइट कलर लिया है, दो तीन ले लिए। तो ये जो है ये 5.55 सेकेंड की है। और यहाँ पे लेयर ऐड करना हो तो सबसे पहले लेयर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ इंटरफेस दिख रहा है, बहुत सारे टूल्स हैं यहाँ पे, ऑप्शंस हैं। तो लेयर पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे मीडिया पे, तो मीडिया में से आप किसी भी लेयर को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक लेयर लिए हैं कुछ इमेज ही, यहाँ पे ऐड कर लिया और राइट पे क्लिक कर दिया। और अगर आप इस इमेज को एडिट करना चाहते हैं या कट करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। राइट में एक ऑप्शन है कैमरे जैसा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, जो मिडिल में है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो स्कैम रिकॉर्ड का ऑप्शन है और एक कैमरे का ऑप्शन है। तो हम अगर स्कैम रिकॉर्ड में क्लिक करेंगे तो एक वीडियो क्रिएट होगा जिसको हम डायरेक्टली वीडियो बनाकर हम इसमें ले सकते हैं। और एक कैमरे का ऑप्शन है ताकि हम कोई भी इमेज को खींच कर हम इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पे मीडिया ब्राउजर है, जैसे कि अब यहाँ पे लेयर पे क्लिक किया और सेकेंड ऑप्शन है इफेक्ट। हम कोई भी इफेक्ट ले सकते हैं, जैसे कि मैंने एक इफेक्ट लिया और इफेक्ट को हम थोड़ा उसका स्पीड बढ़ा दी और मोड बढ़ा दिया और स्ट्रेंथ बढ़ा दी, इससे ताकि आपको इमेज पे क्लियर ही दिखे कि इस इफेक्ट से क्या हो रहा है। देख सकते हो आप, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया है इस पे इफेक्ट को। अगर आप स्टिकर लेना चाहते हो तो कोई भी स्टिकर ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एलियन का स्टिकर लिया है। ये स्टिकर कुछ नहीं काम करता है, बस शो बढ़ाने के लिए काम करता है। और जो थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है इसमें टेक्स्ट, यहाँ पे आप टेक्स्ट पे क्लिक करके कुछ भी लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। और जो लास्ट ऑप्शन है राइटिंग, आप हैंड राइटिंग आप कुछ भी स्लाइड करके लिख सकते हैं। सो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ।
और जो रिमूव करने के लिए यहाँ पे एक लेफ्ट में ऑप्शन है अनडू का ऑप्शन, इसको आप अनडू कर सकते हैं। और लेयर का काम हो चुका है। और एक बीच में ऑप्शन है प्लस का, अगर आप प्लस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ इफेक्ट दिखने को मिलेगा, बहुत सारे इफेक्ट हैं। जैसे कि यहाँ पे एक, मैं इस इमेज को राइट में क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे एक इफेक्ट है। राइट नीचे कॉर्नर में एक बॉक्स बना हुआ है, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आप वहाँ से मोर इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे इफेक्ट हैं स्टोर में, सॉन्ग्स हैं, म्यूजिक हैं, वीडियोस हैं, बहुत सारे हैं। अगर आप लेफ्ट में देखोगे तो यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ रहा है, जिसका यूज हम इमेज को कैप्चर करने के लिए होता है। जैसे कि ऐसे कैसे स्ट्रक्चर इमेज को कैप्चर करके जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें सेव हो जाता है अपने स्टोरेज में, और जो सेकंड ऑप्शन है ऐड क्लिप, अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वैसे ही एक ऊपर जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर क्लिक हो जाएगा। अगर आप थर्ड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हो कैप्चर में, तो उससे क्या होगा कि ये एक लेयर है, सॉरी, इसके ऊपर, और कैप्चर एड एस लेयर, अगर आप इसको कैप्चर करोगे तो एक डुप्लीकेट लेयर तैयार हो जाएगी और वहीं पर आप लगा सकते हो, देख सकते हो आप। अगर आप लेयर के ऊपर क्लिक करके ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करोगे राइट लेफ्ट में, तो वहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि डुप्लीकेट, ब्रिंग टू फ्रंट। और डुप्लीकेट का मतलब है कि ऐसे ही एक हूबहू एक डुप्लीकेट लेयर तैयार हो जाएगी और वहीं पे हो जाएगी यूज़। और जो ब्रिंग टू फ्रंट हो, जो दोनों लेयर के सबसे आगे एक लेयर ला देता है, फ्रंट आ जाती है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है अनडू का ऑप्शन, उससे हम पहले जैसे वापस कर सकते हैं। और जो थर्ड ऑप्शन है की फ्रेम का, की फ्रेम का यूज करके हम एनिमेशन दे सकते हैं। जैसे कि इस इमेज के ऊपर हमने एक की फ्रेम लगाया और इसको फर्स्ट में छोटा कर दिया और सेकंड की फ्रेम लगाया और वहाँ पे हमने बड़ा कर दिया, तो कुछ एनिमेशन जैसे बन जाएगा। यहाँ पे हमने एक की फ्रेम और लगा दिया, यहाँ पे हमने बड़ा कर दिया और राइट पे क्लिक कर दिया, तो देख सकते हो इसका कुछ एनिमेशन ऐसा दिख रहा है। अगर आप इस की फ्रेम को रिमूव करना चाहते हैं पहले जैसे करना चाहते हैं, तो आप अनडू पे क्लिक कर सकते हो। डिलीट के नीचे एक ऑप्शन है लेयर्स का, मोर लेयर्स, जो कि हम उसके ऊपर क्लिक करके नीचे लेयर का काम कर सकते हैं, कट आउट कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर जो इसके नीचे ऑप्शन है एक, इसको डायरेक्टली हम एक जगह से दूसरी जगह से लास्ट तक डायरेक्टली हम ला सकते हैं। राइट में बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि मैंने एक क्लिप के ऊपर क्लिक किया और वहाँ पे कलर है, को हमने कलर चेंज कर दिया, कलर के ऊपर रेड कलर लिया। और यहाँ पे कुछ कैची का ऑप्शन है, कट का ऑप्शन। यहाँ पे अगर ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ लाइट पे आप क्लिक करोगे तो जो लेफ्ट की लेयर है वो डिलीट हो जाएगी, और जहाँ से हमने ऑप्शन चूज़ किया था, और राइट में क्लिक करो तो राइट की लेयर डिलीट हो जाएगी। अगर यहाँ से आप टू पार्ट्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप फिर से कैची को दबाएंगे और स्प्लिट और प्लाई हेड पे क्लिक करोगे तो आपका ये जो लेयर है इसके दो पार्ट हो जाएंगे, दो पार्ट हो गए। अगर आप लास्ट वाला ऑप्शन चूज़ करते हो कैची में, ये कैची है, और जो लास्ट वाला ऑप्शन है स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज फ्रेम, तो आपका जो ये लेयर है जहाँ से आपने कट किया उतनी एक लेयर अंदर वापस से लग जाएगी, क्लिप लग जाएगा। तो मैं इसको अनडू कर देता हूँ। राइट कॉर्नर में एक क्लिप ग्राफिक का ऑप्शन है, जिसके ऊपर क्लिक करके हम कुछ भी क्लिप ले सकते हैं। जैसे कि मैंने एक क्लिप ले लिया है, और फिर उसके बाद एक कलर फिल्टर का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करके आप कोई सा भी फिल्टर ले सकते हैं। जैसे कि मैंने एक अप्लाई किया है,
सेकेंड ऑप्शन है एडजस्टमेंट, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कलर या सेचुरेशन का सेट कर सकते हैं, कितना होना चाहिए और कितना नहीं। और एक नीचे ऑप्शन है, उसको बड़ा करके आप बहुत सारे कलर में चेंज कर सकते हैं। और नीचे एक अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन है, जिसके ऊपर क्लिक करके आप इन सभी लेयर में यही इफेक्ट दे सकते हैं। अगला ऑप्शन है विनियट का, जिसके ऊपर क्लिक करके आप चारों ओर डार्क कलर ला सकते हैं, जो सर्कल बन जाएगा डार्क कलर का। इसको मैंने ऑफ कर दिया है और राइट पे क्लिक करेंगे। और आप इस लेयर के ऊपर कुछ एनिमेशन देना चाहते हैं, जैसे कि इन एनिमेशन, यहाँ पे बहुत सारे इन एनिमेशन हैं, जैसे कि पॉप, स्लाइड। इसका मतलब यह होता है कि जब हमारी लेयर स्टार्ट होती है तो वहाँ से एक एनिमेशन देखने को मिलेगा, और वो सिर्फ चालू होने पर ही दिखेगा, क्योंकि इन एनिमेशन है। और जो बीच में होगा वो अलग है, और सेकेंड अलग है, थर्ड अलग है। तो ओवरऑल जो एनिमेशन है वो पूरी लेयर पे रहेगा, स्टार्ट टू ऑल। और फिर जो थर्ड वाला ऑप्शन है, उसके ऊपर जैसे क्लिक करके दिखा दिया हमने, अगर आप आउट एनिमेशन में क्लिक करोगे तो वहाँ पर बहुत सारे एनिमेशन देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्लाइड अप है, स्लाइड लेफ्ट है, तो कोई सा भी आप चूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। सबके बाद एक और ऑप्शन आता है, जो कि क्रोमा की है, जो कि ग्रीन इफेक्ट को हाइड कर देता है या फिर ब्लेंडिंग कर देता है। ब्लेंडिंग के लिए बहुत ही स्पेशल होता है, ये जनरल यूज में आता है। और यहाँ पे क्रॉपिंग है, यहाँ पे कुछ भी आप क्रॉप कर सकते हो या फिर शेप में क्रॉप कर सकते हो। अगला ऑप्शन है अल्फा ओपेसिटी। ओपेसिटी का अगर आप कम या ज़्यादा करोगे तो जो आपके इमेज का कलर है वो उस इमेज से मैच करने लगेगा, या फिर आपके इमेज का कलर पूरा ब्लेंडिंग हो जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा, आपको दिखेगा ही नहीं। यहाँ पर ब्लेंडिंग का ऑप्शन है, तो आप मल्टीपली या स्क्रीन करोगे तो आपका ये ब्लेंडिंग हो जाएगा, मतलब कलर से कलर मैच होगा, और जो कलर से कलर मैच होगा वो विम हो जाएगा, और जो बाकी बचेगा वो रहेगा। में ऊपर कॉर्नर में एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं फाइल को FHD। FHD मतलब फुल क्वालिटी, जो कि और ये फ्रेम रेट है 30 है। ये जिसका मोबाइल थोड़ा लो क्वालिटी का है या थोड़ा कम, जैसे कि Realme U1 है, Realme C1 है, इनके लिए 30 Mbps आएगा। और जो बड़े मतलब फ़ोन होते हैं जिनमें 60 Mbps वर्क करता है, उनमें वो आएगा 60 Mbps। तो मैं फुल क्वालिटी में इसको सेव कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।